मीडिया के साथ मनी पावर और मीडिया का पावर। आज वो करोड़ों रुपए खर्च सकते हैं मगर दूसरी ओर पर उनके पास एक चीज की कमी है, वो है कार्यकर्ताओं की मैन पावर की कमी। तो मैन पावर की ताकत किसी के पास है तो खट्टर साहब पंडाल देख लो हमारे
गया 10,200 बादशाह का दरबार में कर लूंगा। दूजी जी आज अपने इतने कर्जा बहुत लोग कर्जे की गल करते हैं, सोचते हैं कर्जा तो किसान किसान का, किसान किसान से कल्ले की गल करती है। आज कोई छोटा दरबार ना है, कोई कोलिया है, कोई कोला का व्यापार करता है, हर व्यक्ति ने उसे कर्जा वादा असी करते हैं कि राज बनने पर प्रदेश से सरकारी तौर पर जितना भी करता है तो मेरे वर्ग का कर्जा पूरी तौर पर माफ करने का कर्म कर जा पाएगा। आज साढ़े कैंसर बढ़ गया, पिंड पिंड जाकर देखो कोई 20-25 केसे जाके कैंसर वसारते असी मिलकर निर्णय लेता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 11 पिंड दो दिए जिन पे आरोप लगाए, आज भी कई पिंडों से बहुत चंगी तरह वो आरोप सेवा कर रहे हैं, मगर रोज को बड़े स्तर से पूरे प्रदेश से ले जाने वास्ते फैसला पार्टी पार्टी का है। एक तो रोजगार रोजगार के साधन बढ़ोगे और दूसरे ओर से हर घर को निःशुल्क इधर पंजाब में तो 20 रुपए लेने के लिए जो 20 रुपए के लिए ले से मुफ्त में हर घर तक आ रहा था मोटर का पानी पहुंचाना था पार्टी पार्टी। साथियों 16 घोषणावा ने पार्टी की, मैं अपील करता और इसका जी भी कई समस्या है जो खट्टर साहब ने कई बारी अनाउंस कर दी, बारी बारी इतने आके बड़ी बड़े जुमले दे के गई, मैंने झूठा कहता है खट्टर साहब जो मैं तुम्हारू कराना तुम कितने बड़े झूठे हो, इतने बस स्टैंड वाली साड़ी गली चौड़ी करने का वादा किया जी नहीं किया जी, खट्टर साहब बरसात तो हुई शहर की सारी गलियां पक्की कराने का वादा सी कोई हुई एक पत्थर में लग गया हो, गोरियाला पिंड से गए गुड़िया ने कॉलेज बनाने की गल की सी तो एक पत्थर में लग गया गोरियाले पिंड से, ये नहर की घोषणा करी थी मेरा चाचा भी उसे धंधे से बैठा सी कोई एक कस्सी की मारी होगा जमीन पे, साथियों पिंड से पाइपलाइन की गल करी सी कोई नई पाइपलाइन लगी हो, आज पिंड अपने दवाई की और पिंडा की यह हालात ने कि 24 घंटे का वादा बिजली का जरूर खतरनाक किया सी पर 24 घंटे बिजली तो नहीं आई पर नए मीटर आ गए और पहले मीटर बिल कोई 5,500 रुपया वो 500,000 रुपया भी बच गए, आज 5,000 रुपया साथियों जी सरकार ने दी थी, मेरा वादा है प्रदेश से कमेरे बच लू फिर ये फ्लक्चुएटिंग बिजली का बिल नहीं फिक्स चार्ज देना प्रदेश में लागू करके गरीब आदमी को दोबारा 500 रुपए यूनिट 500 रुपए आज समय बड़ा अनुकूल, लोग परिवर्तन चाहते हैं बदलाव चाहते हैं, पर इस बदलाव के अंदर लोग आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाएंगे, उसका एक नतीजा देखा आज, एक चीज मैंने समझी देखी कि देखो खट्टर साहब 5 साल मुख्यमंत्री एक बूढ़ा पर्ची लेके गया उसको पकड़ के कहते तेरे को उठा के बाहर फेंक दे, उसके बाद खट्टर साहब एक ब्राह्मण मुकुट पहना रहा था, मुकुट नहीं पहना उसके खरसा गर्दन पर लगा दिया करी गर्दन काटा, उजाड़ा वाली मेरी प्रत्याशी प्रेमलता जी तो कहती है कोई आंख निकाले उसकी आंख निकाल लो, और साथियों आदमपुरा की प्रत्याशी क्या कहती है, वो कहती है जो भारत माता के नाम जय ना बोले वो पाकिस्तान है, इसका मतलब तो पंडाल में चौधरी देवीलाल की जय बोल रहे हैं तो सारे पाकिस्तानी बन जाएंगे। साथियों अनिल जैन की हालात देखो, यूपी से आके हरियाणा में तो उतर कर रहा है, करोड़ों की टिकट बेच रहा है, अमित शाह को प्रदेश में ले घूम रहा है और क्या कहता है दुष्यंत तो बंद है आग लगातार बन रहा है। साथियों दिवाली के अंदर तो मैं 2009 के चुनाव में पहली बार आया था, आज 10.5 साल हो गए, तो एक चीज मेरे मुंह से गलत निकली, तो एक चीज आग लगाने वाली मैंने बोली हमेशा प्रदेश के हक के लिए, जब हमारे ट्रैक्टर को कांटे से ट्रक बना दिया था तो मोदी जी के सामने एक मैंने हिम्मत दिखाई थी ट्रैक्टर पार्लियामेंट में बांट के दोबारा कांटा चाहिए, ये वादा हम करते हैं, ये जो 55,000, 56,000, 57,000 के चलान कट रहे हैं ट्रैक्टरों के मोटरसाइकिल के कट रहे हैं, राज बनने पर इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में दोबारा कैंसिल कर दिया जाएगा, इस तरह का आर्थिक प्रभाव नहीं जाएगा। सुंदर वाली बात
मुझे मंगियाना गांव वाले लोगों से बड़ी याद आती है, इनने हिम्मत मारी, सारा गांव इकट्ठा हुआ और ताकत दिखाई और वहां पर अपने गांव की लड़ाई को लड़ा। मगर जैसे जैसे भी मेरे को बंदर का पैनल जी को बताना चाहता हो कि बंदर तो भगवान जी का रूप है नहीं है, बता दो है नहीं है। अनिल जैन जी, अगर मैं बंदर हूं तो फिर हनुमान जी की सारी बात मानने में तैयार है। अब तो दो दिन गए, आज निकलेंगे, आज दिन के अंदर जवाई विधानसभा की सीट से शुरू करेंगे, अंतिम छोर है चंडीगढ़ की तरफ और 40 सीटों का पुल बढ़ाकर चंडीगढ़ के अंदर आपके राम राज को खत्म करकर राम राज बनाने का काम करेंगे, जहां बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये व्यापारी साथी बैठे हैं, ये खुशहाल होंगे। आज एक समस्या और बारी 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 हर आदमी आकर बताता है कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स का कहर हटा रखा। साथियों, कई पहले करीब आदमी है जिनकी इनकम एक रुपया नहीं और उनके ऊपर भी सरकार ने मोटा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का काम किया है। ये वादा मैं करता हूँ कि राज बनने पर जिस प्रॉपर्टी से इनकम का सोर्स बनता है फिर उस पर प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे मोदी ने जिला लगाया था, लगाया जाएगा। आम गरीब आदमी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का फायदा नहीं मिलता जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि समय कम है, मुझे आज और सभाएं भी अटेंड करनी है, पर जो जोश जज्बा आपने दिखाया, मैं तो एक अपील करूंगा कि शरदजीत जी आपके बीच में यह सोच लो कि दुष्यंत चुनाव लड़ रहा है, आपने एक एक वोट शरदजीत को दुष्यंत समझ कर देना है और एक विश्वास के साथ आज काम करना है कि सीट को श्रीमती नैना चौटाला जी ने आपके भरोसे पर एक कार्यकर्ता को दी है और डवाड़ी हल्के के एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि मजबूती के साथ चंडीगढ़ का वो ताला खुलवाने के लिए एक एक साथी चाबी का बटन दबाकर इस विधायक की लड़ने का काम करेगा। मैं तो पूर्ण सारे आए